हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यन रूम्पा। तो कैसे हो आप लोग? अभी तो सुबह की 11 बज रही है, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम था। घर सफाई करना था, फिर आर्यन का कपड़े था वो धोने का था, तो मैं समझा पूरा काम ख़त्म करके फिर आप लोगों से बात करने के लिए आऊँगी। तो पूरा काम ख़त्म कर दिया, तो अभी आर्यन पानी नहाने के लिए गया, क्योंकि वो सुबह से काम कर रही थी। उसका काम अभी जस्ट ख़त्म हुआ, तो अभी गया पानी नहाने के लिए। तो घर के पास से एक बहन आया था कपड़े सही करने के लिए, मतलब टेलरिंग का, तो वो सही करके दिया, तो लाने के लिए आया था, तो लेके गया। सो गाइस, अभी मैं फ्रेश अप होके आया हूँ। फ्रेश अप होते ही मैं डायरेक्ट ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि 12 दस हो रहा था, तो मैं डायरेक्ट ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट नहीं, लंच ही समझ लो, क्योंकि मैं गाइस बहुत रात में बहुत ही लेट को सो गया, बहुत ही लेट को, लगभग 5:30 हुआ था टाइम रात में सो गए तक। तो 5 मिनट का वर्कआउट किया बस, और कुछ नहीं। उसके बाद खा के अभी आया हूँ। तो गाइस अभी मेरा वर्क फिर स्टार्ट होगा, थोड़ा काम है, इम्पोर्टेंट काम है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उसको मतलब बनाना है। बहुत दिमाग ख़राब, आज तो बहुत काम पर लगेगा। शायद ज़्यादा रूम्पा ही आपसे बात कर पाएगी, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। और गाइस क्या बोलते हैं, गर्मी बहुत हो रही है। सो गाइस गर्मी बहुत हो रही है, मैं फ़ैन भी ऑफ कर दिया, क्योंकि कर कर साउंड आएगा। तो देखते हैं, अभी मैं काम पे अभी बैठ जाऊंगा गाइस। तो जैसे ही रूम्पा आएगी, रूम्पा बात करेगी, तो चलो हमें डायरेक्ट काम पे। देखो ऑलरेडी मैं रख दिया लैपटॉप वेपटॉप सब रेडी करके रख दिया, तो चलो डायरेक्ट अभी हम लोग काम करते हैं। तो मैं भी थोड़ा खा लिया, सुबह खाया था, फिर भी भूख लगा था, तो खाना खा लिया, आर्यन के साथ ही खाना खा लिया। तो अभी आम लेके आया, आम खाने के लिए। आर्यन तो बहुत बिजी है, बहुत ही बिजी है, इतना बिजी कि आम खाने के लिए टाइम भी नहीं मिल रही है, तो वो शायद नहीं खाएगा पूरा आम, मैं ही खाऊंगी शायद। ये आम लेके आया, हमारा पेड़ का भी था कुछ, और जो बाबा का दोस्त है ना, बाबा की शॉप के उधर घर है, वो रात को भेजा था बाबा के पास, वो आम भी था, तो थोड़ा थोड़ा ही नहीं, बहुत सारे लेके आया, लेकिन मैं हमारा पेड़ का थोड़ा काटा और वो अंकल जो आम दिया उसका थोड़ा आम थोड़ा काटा, तो इसके ऊपर काशन दिया और नमक डाल के लेके आया, क्योंकि आर्यन को काशन बहुत पसंद है, अच्छा खाती है, तो शायद वो नहीं खाएगा, मुझे खाना पड़ेगा। तो चलो अभी आम खाती है, फिर आम खाने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आम खाने के बाद मैं थोड़ा सो जाऊँगी, क्योंकि आम खाने से नींद आती है, तो आम खाने के बाद मैं थोड़ा सो जाऊंगी, तब आप लोगों से आऊंगी बात करने के लिए। और एक बात है, आप लोग भी आ जाओ हमारे घर आम खाने के लिए, खास करके यही टाइम पे आ जाओ, जो टाइम पे आम होती है, लीची होती है, तब आ जाओ हमारे घर खाने के लिए। तो चलो मैं अभी खाना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं सो के उठा, आर्यन काम कर रही थी, तो अभी 5 बज रही है, आर्यन नहीं उठाया, क्योंकि आफ्टरनून का खाना नहीं खाया, मैं तो सुबह 2 बार खा लिया था, और वो सुबह का खाना 11-12 बजे खाया था, तो शायद भूख नहीं लगा, तो अभी भूख लगा, अभी मुझे बुलाया कि चलो खाना खाना है। तो अभी मैं टाइम देख रही हूँ, तो कोई बाप रे 5 बज रही है, क्या है, आर्यन बाथरूम गया मुंह धोने के लिए, फिर मैं जाऊंगी धोने के लिए, क्योंकि सो गया था ना इसलिए, चलो बुलाती है उसको। तो आर्यन अभी तक ऊपर है, नीचे नहीं आया, बाथरूम के अंदर है, मैं नीचे आ गया, खाना देना है उसको। और क्या है कि वो बाथरूम के अंदर जाती है तो बहुत टाइम लगाती है, बहुत टाइम लगाती है, और साइड से बहुत धुआं आ रही है, कुछ जल रही है शायद, या जला रही है, सांस अटक जा रही है बात करने के लिए, इसलिए आवाज़ थोड़ा ऐसे लग रही है। ओहो, मेरे पीछे देखो आम आम बहुत गर्मी दे रही है, बाप रे बहुत ही गर्मी है। तो आ गए आर्यन, तो मैं आर्यन को खाना देती हूँ जल्दी, मैं तो नहीं खाऊंगी, खाने का मन नहीं कर रही है, फिर भी देखूंगी, अगर सालन अच्छा है तो मैं खाऊंगी। ये देखो हमारे हीरो आ रही है, भूख लगी है, अभी 5 बज रही है, अभी खाने के लिए आ रही है, चलो कितना मेहनत किया रे बाप रे, कि खाने का टाइम भी नहीं मिलते है ना, पहली बार इतना दिमाग खराब, पहली बार नहीं, इससे पहले भी था,
वो आर्यन के पीछे देखो मेरा दादाजी है, पापा का पापा है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, मेरी तो देखो आंखें बंद हो रही है, नींद नींद आ रही है बहुत। सो जाओ, खाना खा के सोऊंगा। ठीक है, मैं खाना देती हूँ। सो गाइस, अभी कंप्लीट हो गया है लंच, तो 5 बजे लंच कंप्लीट हुआ है। तो अभी देखो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है ज़्यादा, मतलब बात करने के लिए हमें, तो सब रूमपा ही बात कर रही है। मैं जस्ट अभी थोड़ा फ्री हुआ था तो अभी खाना खाया, थोड़ा टहल रहा था। खाना खा के एक आम खाया, बहुत अच्छा लगा, तो थोड़ा टहल रहा था तो अभी आया हूँ बात करने के लिए। तो गाइस अभी फिर मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। रूमपा बोल रही थी कि हम लोग मिल के थोड़ा बाहर जाके टहल के आएंगे, तो वो टहलने भी टाइम नहीं है। मैं बोला अगर और 1 घंटे का काम है, 6 बजे अगर काम मेरा कंप्लीट हुआ थोड़ा तो आऊँगा खुल के। तो अभी वो फ्रेशअप होने गई है पानी लाने के लिए, तो जैसे ही वो आएगी तब तक मैं अभी काम स्टार्ट करूँगा। देखता हूँ अगर कंप्लीट हुआ तो जाऊँगा उसके साथ। तो चलो गाइस अभी मैं स्टार्ट करूँगा काम, पूरा पसीने में हो गया तो बाहर यहाँ पर आके बात कर रहा हूँ ये डोर के पास। तो आ रही है फिर पानी नहा लिया मेरा, इसकी वजह से कितना गंदा लग रही है। कुछ भी नहीं होता, आर्यन क्या किया पता है? बताना है मुझे, बताना है। आम तोड़ा, दिखाया आम तोड़ा? नहीं, वहीं रख दिया वो। क्यों? मन नहीं करा, खट्टा खा लेगा ना कोई, खा ले। ओ माय गॉड, आम तोड़ा, आम का कॉस्ट की वजह से ऐसा हुआ ना। तो वो आम क्या क्या पता है? साबुन से धोया अच्छी से, साबुन से अच्छी से आम धो के नीचे रख दिया। खाने के लिए डर लग रही है, क्योंकि डर लग रहा है गाइस, उसका वो जख्म देखा तो बहुत डर लग रहा है, तो इसलिए मैं वहाँ पे रख दिया। अभी खाया भी नहीं, उधर रख के आया, दूसरा आम खाया, दूसरा आम लेके आया वो बाबा जो लेके आया था पक्का वाला, बोले क्या वो तो उधर ही रख दिया, डर लगा वो देख के। तो चलो गाइस अभी मैं काम स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस मैं अभी फ्री हुआ हूँ, तो रात का टाइम हो गया है, 8:30 हो रहे हैं। तो रूमपा अभी जाके मेरे लिए डिनर लाया, वो आज डिनर नहीं करेगी, वो देखो झाड़ू झाड़ रही है, दिख रहा है आपको? तो मैं अभी डिनर करूँगा, ऑलरेडी ला के रख दिया यहाँ पे बेड पे, देखो डिनर। आज निरामिश, निरामिश ये है, ठीक है। तो रूमपा किस लिए खाना नहीं खा रही मुझे पता नहीं है, क्यों नहीं खा रही रूमपा खाना? 5 बजे खाना खाया, अभी भूख लगता है। ओके, मेरे साथ लंच कर रही है 5 बजे, शाम के टाइम पे लंच किया, तो अब उसका पेट है इतना तो क्या खाएगी। तो मैं भी फिर भी बोला एक दो निवाले खा के सो जाओ, रात का खाना खाए तो नींद अच्छी आएगी। सही बात बोल रहा हूँ ना, नींद अच्छी आएगी। इसको क्या मालूम है, इसको सिर्फ रात में झाड़ना मालूम है, बस कुछ नहीं। तो चलो गाइस मैं बहुत ही आँखें बंद हो जा रही, बहुत ही थक गया हूँ मैं, बहुत ही थक गया हूँ। अभी डिनर करूंगा, डिनर करके आप जल्दी सो जाऊंगा आराम से, जरा कुछ भी नहीं देखूंगा आज, ना वेब सीरीज ना कुछ नहीं, जल्दी सो जाऊंगा, क्योंकि फिर सुबह में जल्दी उठ के फिर वीडियो एडिट करना है मेरे को, तो जल्दी सो जाऊंगा। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, कॉमेंट ज़रूर करना। ये देखो झाड़ू लेके आ गया, आपके सामने बात कर रही है। और हाँ, लॉकडाउन में किधर भी नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि बाहर का मौसम तो अच्छा नहीं है, तो अभी घर के अंदर रह के वीडियो बनाना पड़ेगा, वो भी हर रोज से ऐसे खाना खाओ बस, मतलब उठो बैठो सो जाओ, यही काम है। सो गाइस और एक बात ये है कि लॉकडाउन में क्या छोड़ो, मौसम तो बहुत ही खराब हो रहे हैं ये तूफान की वजह से, तो टेक केयर, आप ठीक से रहो। कमेंट जरूर करना गाइस, आपका कमेंट करना हमें बहुत अच्छा लगता है और आपको रिप्लाई करना भी बहुत अच्छा लगता है, प्लीज प्लीज कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।